छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर ब्रेकिंग, राम भक्त को मिली सिर कलम करने की धमकी, व्हाट्सएप में रखा था स्टेटस। रायपुर, राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या की तरह ही राजधानी में भी एक युवक को अपने व्हाट्सएप पर भगवान राम का स्टेटस रखने पर सिर कलम करने की धमकी मिली है। पीड़ित युवक ने राम मंदिर शौर्य दिवस पर अपने मोबाइल पर स्टेटस रखा था, जिसके बाद उसे कॉल करके रात 2 बजे उठवा लेने और गर्दन काटकर 2 साल के लिए जेल जाने की धमकी दी गई। इस मामले में मंदिर हसौद थाने में आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के बालाजी कॉलोनी का है। पीड़ित रामबाबू मंडल 32 वर्ष के द्वारा थाने में दी शिकायत के मुताबिक 9 दिसंबर को वो जब बालाजी कॉलोनी मंदिर अपने कार्यालय में बैठा था, तभी रात 8 बजे उसके दोस्त विमल शुक्ला के नंबर पर एक कॉल आया। कॉल में सामने वाले ने अपना नाम शेख वाहिद निवासी कालीबाड़ी बताते हुए कहने लगा कि राम बाबू अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर राम मंदिर शौर्य दिवस का स्टेटस डाला है, उससे बात कराओ, नहीं तो उसे रात 2 बजे उठवा लेंगे। मेरे दोस्त यार यहाँ खड़े हैं रामबाबू के गर्दन काटने के लिए और 2 लाख में रामबाबू का गला काटकर 2 सालों के लिए जेल जाने के लिए लड़के तैयार है, ये कहते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इस कॉल के बाद रामबाबू मंडल ने इसकी शिकायत मंदिर हसौद थाने में दर्ज कराए। इस मामले में शहर ASP अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद 153, 506, 505, 2 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।